स्टेट न्यूज 70 में आप सभी का स्वागत है। आज से ठीक एक वर्ष पूर्व 21 जून 2022 को सढ़ौरा नगर पालिका का चुनाव संपन्न होकर उसके परिणाम घोषित हुए थे। परिणाम घोषणा का ठीक एक वर्ष आज हुआ है। आज उस खुशी में सढ़ौरा के रेस्ट हाउस में भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सपरा द्वारा चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा सहित अनेकों पार्षदों व भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का मुंह मीठा कराया गया और खुशियां मनाई गई। बधाई आपको, एक साल क्या बात, पूरी नगर पालिका को बहुत बहुत बधाई। एक साल बाद चेयरपर्सन एवं पार्षदों के खुशी के इन पलों में पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन कुमार सैनी सहित भाजपा के अनेकों अधिकारी वहां पर उपस्थित रहे। एक साल हो गया जिनको आज जीतते हुए पूरा। तो एक वर्ष का सपरा सब समय हो गया, क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, जिन वादों को लेकर हमने चुनाव में हम आए थे और हमने यही कहा था कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलते हुए हम नगर पालिका चुनाव में काम करेंगे, और आपने देखा भी है कि इस एक साल में हमारी चेयरपर्सन शालिनी जी, उनके साथ वाइस चेयरमैन सैनी साहब, वो सभी पार्षदों ने मिल के, खाली इन्होंने नहीं बल्कि विपक्ष के पार्षदों को साथ लेकर इन्होंने सढ़ौरा के विकास के लेकर कई काम किए हैं। चाहे आपके स्वागत द्वार लगे हों, गलियां बननी शुरू हुई हों, आपका जो स्टेडियम है वो स्टेडियम, हम आए थे उस समय कितनी बुरी हालत में थी, आज स्टेडियम में रोज बच्चे खेलते हैं। ये तो नगर पालिका के विकास को लेकर हमारे सभी पार्षद बड़ी अच्छी योजनाएं बनाकर आगे चल रहे हैं, और हमने जो वादा किया था कि हम इन 5 सालों में इस नगर पालिका को पूरे हरियाणा भर में टॉप पर लेकर जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इनके सभी के नेतृत्व में ये नगर पालिका सढ़ौरा सबसे अच्छी सढ़ौरा पालिका का एक विजयी बनेगी और या उसका एक रिवार्ड लेकर ये आगे आएंगे। नगर पालिका का चुनाव परिणाम जो चेयरपर्सन का चुनाव हुआ था पार्षदों का, तो आज के दिन 2022 को परिणाम घोषित हुए थे, और चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती शालिनी शर्मा और वाइस चेयरमैन के रूप में यहाँ पर बैठे हैं देवेंद्र जी और हमारे पार्षद साथी सरजीवन जी। तो बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई चेयरपर्सन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक साल हो गया जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और सभी सढ़ौरा वासियों को मेरा नमस्कार और उनका भी धन्यवाद जो एक साल में उन्होंने मेरे को भरपूर प्यार दिया है और उनके आशीर्वाद से मैं जिस स्थान पे बैठी हूँ और एक साल में उनका जो मुझे प्यार मिला है और सहयोग मिला है उससे मैंने बहुत से विकास कार्य कराए हैं और आगे जो रह गए हैं उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराएंगे। जैसे कि मनोहर लाल माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मनोहर लाल जी, उनकी अध्यक्षता में पूरे हरियाणा में बहुत विकास कार्य हो रहे हैं और उसी तहत पे हम सढ़ौरा में भी बहुत विकास कार्य करा रहे हैं। जैसे कि हमारा सिविल अस्पताल का कार्य है, उसके लिए हम हर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने 2-3 बार बात कर ली है इसके बारे में और उनकी भी डायरेक्ट बात हो रही है जी, और जल्द से जल्द हमारा सिविल हॉस्पिटल का काम भी शुरू होने वाला है। जैसे हमारी वीडियो ब्लॉक की सड़क है, एंट्री है हमारे शहर की, कुछ लोगों की वजह से वो नहीं हो रही थी लेकिन 2-4 हफ्ते भर में अब उसका भी काम शुरू होने वाला है जी, बिल्कुल स्टार्ट है जी। जी 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 हाँ जी। और ये जैसे स्टेडियम था हमारा, उसकी हालत पहले बहुत खस्ता थी, अब बहुत हमने सुधार किया है और उसमें और भी अधिक सुधार, हमारा प्रोजेक्ट तैयार है, अब बहुत जल्दी हम उसमें और भी अधिक सुधार करेंगे जी जी। और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप गिनवाना चाहेंगे कि आज एक वर्ष हो गया है, समझो आज का दिन चुनाव परिणाम हुआ था, जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि रही हमारी? वह तो हम जुलाई में जब आपने शपथ ली तब वास्तव में एक सवाल तभी पूरा होगा। हाँ। पूरी डिटेल से हम बात करेंगे आपसे आंकड़ों के साथ,
लेकिन फिर भी कोई एक दो काम ऐसा जिसको बताना चाहेंगे, बड़ा गर्व महसूस होता है कि ये काम हुआ है? गर्व महसूस होता है, जैसे आपको पता ही है हमारा शमशान घाट कोटला रोड वाला, जी जी जी, उसकी क्या हालत थी, और अब आप एक साल बाद उस हालत को देखिए। जो भी कोई बाहर से रिश्तेदार किसी के आते हैं, वो कहते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, आप भी स्वयं भी आप जाके देख सकते हैं। वो भी हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें नगर पालिका ने 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, उसके हमने सारे रास्ते को पक्का कराया है, शेड डलवाया है वहाँ पे, और जो बाबा जी का कमरा था उसको पक्का कराया है, और भी कार्य जो है वो करेंगे, और स्टेडियम का आप देख सकते हैं विकास कार्य हो रहे हैं, और जो हमारे चारों एंट्री गेट लगे हैं वो भी एक आज तक तो लोगों को यही नहीं पता चलता था आने वाले को कि सढ़ोरा की सीमा कहाँ शुरू हुई है, लेकिन अब एंटर करते ही पता चलता है कि हमने सढ़ोरा के अंदर प्रवेश कर लिया है। जी जी जी, ये हमारी उपलब्धियाँ, और गलियाँ जिनका कभी आज तक 30-32 साल हो गया अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं था, उन्हें देखा भी नहीं था जाके, उन गलियों का हमने निर्माण कार्य किया है। आज वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, वो कहते हैं कि मैडम आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, और जो गलियाँ रह गई हैं निर्माण के लिए उसका भी हमने जल्द से जल्द टेंडर लगा दिया है, और जल्दी और भी विकास कार्य होंगे नगर पालिका। धन्यवाद। एक अभी धन्यवाद तो खैर नहीं जी, एक तो सीवरेज की बात बताएं, एक मुख्य बाजार जो अभी भी गड़बड़ है, ये क्या मामला है इसका जी? हाँ जी, सीवरेज की अभी हमने एसडीओ साहब से बात की, अभी जो उनका प्लांट है अभी थोड़ा बहुत रह गया जी, वो कह रहे लगभग तैयार हो ही जाएगा, 2-3 महीने की बात रह गई है। और जो बाजार है, बाजार की भी हमने मेन एंट्री है जो वहां से लेके अपने नगर पालिका तक का 176 मीटर का जो है बाजार का लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा एंट्री गेट होगा, बीच में डिवाइडर होगा, और दुकानों के साइड में रेलिंग लगाई जाएगी, और ये हमने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। उससे पहले हम सोच रहे हैं कि हम पहले रेडी मार्केट बनाएं, ताकि जो यहाँ पे रेडियाँ हैं उनको भी रहने के लिए, उनके लिए हमने जो ये हमारा बिजली बोर्ड के पीछे वाला नाला है उसके ऊपर हमने शेड स्लैब डलवा के, उनके ऊपर शेड डलवा के उन्हें प्रॉपर एक रेडी मार्केट बनाई जाएगी, जहाँ पे सभी रेडी वालों को पहले शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद हम बाजार का काम शुरू करेंगे, ताकि किसी के रोजगार को कोई भी हानि ना पहुँचे। अभी एक साल का कार्यकाल हुआ है, और जैसे कि फाइनेंस कमेटी जो गठन हुआ है वो भी सर्वसम्मति से हुआ, और वाइस चेयरमैन का भी जो चुनाव एक साल के अंतराल हुआ था वो भी सर्वसम्मति, इसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? ये भी हमारी एक उपलब्धि है कि हमने पक्ष और विपक्ष में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया है। मेरे कार्यकाल में मेरे पक्ष वाले पार्षदों से ज्यादा कार्य हुआ है, वो आप देख भी सकते हैं, और सभी का हमारा हाउस एक है, सभी हम अपने सबके सहयोग से ही काम होता है, सबके विचार में से ही काम होता है, और इसमें भी आप देख सकते हैं फाइनेंस कमेटी में भी हमारा एक बीजेपी का बना है मेंबर, और एक विपक्ष का बना है, हम सब इकट्ठे हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है, पक्ष और विपक्ष कोई नहीं है। चलिए, ये तो था खैर आज परिणाम का एक वर्ष हो गया, जब जुलाई मास में जिस दिन आपने शपथ ली कार्यकाल तब से आपका आरंभ हुआ था, तब डिटेल तथ्यों के साथ 13 के 13 पार्षदों के साथ हम लोग बात करेंगे, ना केवल पार्षदों के साथ बल्कि जो विपक्ष में जो पराजित रहे उन व्यक्तियों से बात करेंगे, ताकि सही बात सामने आए, आप लोग तो कहेंगे उनकी भी बात सुनेंगे। तो धन्यवाद, एक वर्ष आज परिणाम का हुआ, आज के दिन परिणाम होता है, इसके लिए हम एक बार फिर से अपने चैनल के समस्त दर्शकों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद, ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।